गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हकूमत अवाम की परेशानी में उनके साथ है। 1,20,00,000 लोगों को 12,000 रुपए फीकस के हिसाब से दिए जा रहे हैं। मुस्तहकीन में राशन भी तकसीम किया जा रहा है और इस काम में फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात की काविशें काबिले सताइश हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त है हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके चूल्हे जलने बंद हो गए हैं, तो इसकी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और मेरे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमेशा याद रखता हूँ कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका हमसाया भूखा सोए। तो आज हमें इस बात का सबूत देना है कि हम केयर करते हैं, हम दूसरों की दुख को, दूसरों की तकलीफ को, दूसरों की भूख को अपनी तकलीफ और अपनी भूख समझते हैं। और इसका मकसद हमारा ये है कि लेट्स से कि हम 5,00,000 राशन तकसीम कर रहे हैं तो इसमें डुप्लीकेशन ना हो, इसमें सेम लोगों को जो है बार बार हम राशन जो है ना दें और एक मुनज्जम तरीके से अपने अपने इलाकों में हम लोगों की खिदमत जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि 1,20,00,000 लोगों को हम 12,000 रुपया जो है वो फंड जो है कैश में जो डिजर्व करते हैं पूरे सफदापुर हैं उनको पहुँचाए जा रहे हैं ताकि ये लोग जो हैं बेचारे अपनी मुश्किल वक्त में अपनी गुजर का जो है वो कर सकें।